स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे। आप सभी को इस वीडियो में धनु राशि मूला नक्षत्र में, आप जानते हैं मूला नक्षत्र जो अति समस्यापूर्ण नक्षत्र है, इस नक्षत्र में जन्मे जातक धनु राशि में उनका क्या गुण धर्म स्वभाव रहता है, कि इतना दिन किस प्रकार का रोग में पीड़ित होते हैं, आयु कितना होता है, धन व्यवसाय इनका क्या होता है, इसके बारे में चर्चा विचार करने के लिए आप सबको स्वागत करता हूँ। चतुष्पदी बृहस्पति क्षेत्री राक्षसगण और इनका स्वभाव थोड़ा शीतलवंत होता है। कर्कश शब्द युक्त गंधमाल्य पुष्प सुंदरता में इनका रुचि रहता है। ऐसा जातक थोड़ा स्थिर स्वभाव के भी जरूर होते हैं। राजपूजक, राजा से मान सम्मान प्राप्त करना, राज्य का कार्य करना, राजा वर्तमान कलयुग में तो नहीं होते, सरकारी या उनके बॉस से इस प्रकार के मान सम्मान पाने का संभावना या करते रहते हैं, और बॉस को भी कैसे अपने चुंगल में रखना है इनको ये अच्छा से पता होता है। इनका धन का आगमन या इनका जीवन व्यवस्था ज़्यादातर कृषिकारी और व्यवसाय, ये दोनों इनके स्वरोजगार का एक अच्छा और उत्तम मार्ग है। माता पिता गुरुजनों को भक्ति करना, बुजुर्गों को भक्ति करना, बहुकुटुंबी कुटुंबों के साथ रहना, कुटुंब से इनका प्रेम और अच्छा संपर्क भी रहता है। श्रीमंत होते हैं, धनी होते हैं, अमीर होते हैं, जीवन में कम से कम 2-3 दासी दासियां इनके साथ रहते ही हैं। श्रृंगार रस में इनका बहुत रुचि रहता है और कामरस में भी इनका बहुत रुचि रहता है। कभी कभी ऐसे जातक परदारा पूरे दूसरे का नारी के प्रति बड़ा स्नेही और ललायत भी रहते हैं। ऐसा जातक शरीर अति गौरवर्ण रहता है और दांत भी बहुत सुंदर रहता है, उच्च कपाल का रहते हैं ऐसे जातक। नयन अति आकर्षक और सम्मोही भी इनका आंख रहता है। शरीर थोड़ा मोटापा युक्त व पृथुल शरीर रहता है, और क्योंकि बृहस्पति क्षेत्री होते हैं तो ऐसे लोग सभी बातों को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनते, ग्रहण करते, मानते और सभी बातों से अपना ज्ञान निकाल लेते हैं। जन्म से 1 साल के अंदर श्लेष्मा जनित रोग का संभावना रहता है। 5 साल के अंदर रक्त आमाशय पीड़ा जनित रोग इनके अंदर होने का संभावना रहता है। 7वां साल में बसंत और चर्मादि रोग होने का इनका जीवन पे समस्या हो सकता है। जन्म से 12 साल में जंतु भय, किसी जीव जंतु हिंसक जंतु से इनका भय रहता है या इस प्रकार के आक्रमण इनके ऊपर होने का संभावना रहता है। 14 साल के समय जल का भय या जल में मृत्यु योग भी इनका दिखाया गया है। 25 साल के उम्र में शस्त्राघात जनित समस्या और 31 साल में पितृक्लेश इनका होने का संभावना रहता है। जन्म से 35 साल में रक्ताधि सार का रोग समस्या, 45 साल में शत्रु भय, शत्रुजनित पीड़ा कष्ट या लड़ाई झगड़े में इनका मृत्यु तक भी होने का संभावना रहता है। 71 साल होते होते श्लेष्मा ठंडा सर्दी खांसी जनित रोग का समस्या और बहुपीड़ा होने का संभावना रहता है। और ऐसा जातक 90 साल उम्र में आषाढ़ कृष्ण पंचमी गुरुवार के दिन इनका आयु समापन होने का संभावना रहता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो जो भी यहाँ फलादेश दिया गया ये केवल उस राशि के लिए या लग्न के लिए ही दिया गया है, परंतु अगर किसी प्रकार के ग्रह दृष्टि युति हो या लग्न राशि पीड़ित हो तो इस प्रकार के जो कुछ भी फलादेश है वो आगे पीछे परिवर्तन हो सकता है। आपको हमारे यहाँ से ज्योतिषी सीखना हो, कर्मकांड सीखना हो या किसी भी प्रकार के ग्रह शांति, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, चंडी हवन इत्यादि करना सीखना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रशिक्षण का और विभिन्न प्रकार कर्मकांड का व्यवस्था है। जो लोग राउरकेला के आसपास सुंदरगढ़, संबलपुर, केंदुझर, झारखंड का कुछ क्षेत्र, टाटा रांची या
मनोरपुर के आसपास रहते हैं, सीधा फिजिकली यहाँ पर रह के सीख सकते हैं। हमें संपर्क करने हेतु आप व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। नमस्कार।